खुशी देख रहे हो इस चेहरे पे, ये खुशी किस चीज़ की हो सकती है? सैलेड। और गाइस आज अरसों के बाद हमें मिलने वाली क्या बिरयानी, चिकन बिरयानी, वो भी मैं क्या बोलूँ यार, मैं इतना खुश हूँ अंदर से। मैं सच में मैं बिरयानी नहीं खाता होता था, मैं कभी कभार बीच में ट्राई करता होता था, पर आज जब मेरे को यहाँ पे चला भाई बिरयानी मिल सकती है तो क्या बताऊँ। इससे अच्छा कैसे हो सकता है पार्ट टू को स्टार्ट करने का तरीका। फिर निकलेंगे हम अपने हेयर ड्रेस करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं हम जो यूनिवर्सिटी थी महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, अगर उसको घूमने के लिए हम जाने दिए अंदर, हमें इंटर होने दिया तो चलेंगे। पहले बिरयानी लग के आए, खाए 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 खाए। A few moments later. भाई हमें तो कुछ पता नहीं था यहाँ पे बिरयानी बिरयानी कहाँ पे मिलेगी। हम थे यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ पे हमने दो लड़कियों से पूछा कि कहाँ पे मिलेगी, उन्होंने बोला फतेहगंज जाओ। हमने भी पकड़ा रिक्शा फतेहगंज पहुँच के, वो देखना हाई लाइफ। अब हमने कटाने जी अपने बाल, पूरी पूरी सेटिंग करवाएंगे। पूरी सेटिंग नहीं कराएंगे, क्या हो गया तेरे को? ना 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 भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं जो है शेव वहीं पे जाके करूँगा गोवा। ये प्रॉबेबली लास्ट टाइम होगा आप मुझे ऐसे बालों में देखोगे, और शेर जमान को भी। शेर अभी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है तगड़ी वाली, तो हम इनको उड़ाते हैं फिर मिलते हैं। भाई मैं ह्यूमन ये क्यों भाग गया भाई? भाई शेर रुक थोड़ा सा यार, थोड़ा सा नीचे कर शुक्रिया। जी हमारे सामने महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पे क्या भाई इलीगली अंदर घुसने वाले। हाँ कोई पूछे क्या हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? वीजीयू के स्टूडेंट यहाँ क्या ढूंढ रहा है भाई? अगर किसी ऑफिशियल ने रोका ना तो चुप करके आगे से कुछ बोलना नहीं है, बाहर निकल जाना है, ठीक है? ओ यार ये यूनिवर्सिटी एज अ कॉलेज इनॉग्रेशन हुई थी इसकी 1881 में, और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली तब कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। बाकी आप यूनिवर्सिटी देख लो, खूबसूरत है, और मुझे जो भी पुरानी बिल्डिंग्स दिखती हैं मुझे उनसे इतना मतलब प्यार साहब मैं क्या बोलूँ। मुझे इनकी ये डोम्स देख के ऊपर मुझे ना पुरानी ये स्टोरियाँ बताती हुई दिखाई देती हैं। वाह भाई, उस ज़माने के आर्किटेक्ट्स जो भी होते थे कॉलेजेस को भी मॉस या मंदिर मतलब टेंपल्स टाइप का बनाया हुआ है ना। 1881 के हिसाब से देखा जाए ये बहुत बड़ा कॉलेज है यार, है ना? और इसमें जो भी पत्थर लगे हुए हैं ना, एक एक पत्थर को ऐसे कार्व आउट किया हुआ है, मतलब यकीन नहीं आ रहा कि उस ज़माने में बंदों ने हाथों से खुद किया होगा ऐसा वाला। भाई बस मुझे यही देखनी थी बिल्डिंग, इसीलिए तो मैं आया था। अब तू कहाँ जा रहा है? गाइज यही कुछ 1881 का कॉलेज और उसकी बिल्डिंग, 10 बार मैं यही चीज़ बोल चुका हूँ, अभी चलते हैं बाहर यार। गाइज मतलब इधर अभी बाहर है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, सॉरी क्लाइमेट अच्छा है क्या यार? जो ये जो फैकल्टी ऑफ साइंस की बिल्डिंग है ये भी बहुत पुरानी लग रही है, ये भी पुरानी है ना, ये उसी टाइम की लग रही है क्योंकि वो वहाँ पर भी डोम्स बने उन्हीं को देख के। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और साइकोलॉजी ना घूम के जाए ऐसा हो सकता है? मतलब पुरानी बिल्डिंग जहाँ देखी वहीं मुँह उठाए चल दिए। ये भी उसी टाइम जगह और लोग तो बहुत बढ़िया हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लोग हमें घूरे क्यों जा रहे हैं तब से। शायद एक वजह हो सकती है, लंबे नाक वाले सिर्फ हम दो ही दिख रहे हैं यहाँ पे। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम घूमते घूमते ना, ये टूर यहीं तक रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, पता दो दो तीन तीन नाम है यार, मैं सारे बोल देता हूँ, बीच में किसी को करेक्शन करनी हुई तो कमेंट्स में कर देना।
चल भाई इसको नींद आई हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर। सुबह कितने बजे की? सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन होने वाली और हम यहाँ पे घूम रहे हैं भाई। और इतनी नींद आ रही थी जब वो कोया बाल बना रहा था, इतनी नींद आ रही थी ना कसम से। कोया बाल बना रहा था, कोया बार्बर नहीं, कोया। ये बात एक सेकंड, सारी सारी अच्छा हुआ। करीबन वक्त होगा उस वक्त एक बज के तीन मिनट पे हादसा हुआ है। 3 मिनट पे गाइज ये हादसा हुआ मेरे साथ। यार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी लगी। बस जो पुराने वाली बिल्डिंग है वो अच्छी लगी। चुप करके चल आई थे, मैंने पता दाढ़ी मनाई भी आई थे, बदो ही लागे फात्री में सटन। पता है आते टाइम पे यहाँ रास्ते में मुझे एक ना गाइज शांति का घर मिला, तो इनकेस यू गाइज डोंट नो हु शांति इज, शांति से मुझे मोहब्बत है और शांति का घर ये है। ओ वाओ इतना बड़ा विला है यार शांति का, कितनी शांतियाँ ही शांतियाँ गाइस। एक शांति नहीं काफ़ी, 3 शांतियाँ रहती हैं। तो हम दरवाज़ा इतना मस्त है ना यार, 10 बंदे कम से कम, पर यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको यार। much later. हाय 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 शेजमान नया कमरा। गाइस देखो यूट्यूबर होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको हर जगह पे थोड़ी सुविधाएं जो होती हैं वो प्लस प्लस ग्रेड में मिलती हैं। अब देखो गाइस हमें टीवी मिल गई, पहले शेजमान रो रहा था मुझे टीवी नहीं दी देखने के लिए, टीवी रिमोट सारा कुछ। भाई एक रिमोट उठाया तूने, इसके 100 रुपये अलग से लगेंगे तूने वहाँ पर। हाय 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 भाई साहब इसमें तो पंखा भी नया है पर साइड पे मक्खियों ने उस पर शिट किया हुआ है, साइडों पे से काले हुए। वो तो घरों में भी हुए रहते हैं, हम धोते नहीं चल रही। यहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है क्या? व्लॉग में थोड़ी बोलना होता है, टीवी नहीं चल रही, टीवी चल रही है गाइस, टीवी चल रही है। शेजमान उधर अपनी बॉडी देख रहा है भाई, बनी नहीं बनी या कम हुई। आज बंदा शेव करा के आया हुआ है, तब से पछताया जा रहा है। तो सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से हम, 5 बजे की ट्रेन है हमारी, सो जाते हैं अभी। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे, आ गई और आग लगा दो उनको। महीने में 50 सब्सक्राइबर आ रहे हैं गाइस, महीने में अब इतने तेज़ी कर दो 25 सब्सक्राइबर आने चाहिए।